ये सर सीमेंट के हैं ना, अलग अलग सारे सर पॉट के हैं, ये 10 इंच, 8 इंच, 12 इंच, 16 इंच, 18 इंच, ऐसे ऐसे करके सब जो जैसे पेड़ लगाने होते हैं ना उसके साइज़ के हिसाब से सर पॉट चाहिए होते हैं। सर ये पिटोनिया फ्लावर है ये, और ये काफ़ी अच्छा फ्लावर है ये, बास्केट में और काफ़ी सुंदर खिलता है ये, मार्च अप्रैल तक चलता रहेगा सर फ्लावर। अभी सीडलिंग स्टार्टिंग है ये सर, 15 दिन बाद फ्लावर देने लगेगा। सर ये टमाटर की पौध है, और ये आप गमले में भी अपने घर में जाके ना गमलों में सर लगा सकते हो काफ़ी अच्छे से तरीके से, और काफ़ी सारे सर फल देंगे। आप 4 पौधे लगा दीजिए और आप एक फैमिली के लिए काफ़ी हैं। एक पेड़ में कम से कम 30 केजी निकलेगा सर टमाटर से। सर ये मिर्च है, अभी ये मिर्च काफ़ी अच्छी मिर्च है, आप 4 पौधे घर में लगा लीजिए, आपका आराम से हरी मिर्च बाजार लाने की जरूरत नहीं, ताज़ी ताज़ी तोड़िए और सर इस्तेमाल कर लिए। कुछ यहाँ सिरेमिक के अलग अलग तरीके के पॉट हैं, ये स्टोन भी है छोटे छोटे, आप छोटे छोटे गमलों में लगा के सजा सकते हो सर। ये सब सैकुलेंट की वैरायटी हैं, सैकुलेंट और ये सीडम, सीडम है ये, सैकुलेंट है ये, जेट प्लांट है ये सर, ये सेंसुबेरिया है, ये कैटस है सर, ये यहाँ पे ये सैकुलेंट है, ये कैटस अलग तरीके का है सर, ये काफ़ी फ्लावरिंग भी करता है ऊपर आके, थोड़ा सा ये करीब 1 वर्ष लेता है। ये भी कैटस ही आप छोटे छोटे पॉट में भी लगा सकते हो, वैसे छोटे छोटे पॉट में बना के अच्छा सुंदर बन सकता है ये कैटस है, छोटे छोटे पॉट में भी काफ़ी सुंदर लग जाते हैं, बन जाते हैं। सर मेरा नाम राजू चौरसिया है, ये काफ़ी करीब 18 सालों से मैं नर्सरी और ये गमलों का, सीमेंट के गमलों का काम कर रहा हूँ यहाँ पर कोटद्वार में, और काफ़ी लोग इनको पसंद करते हैं गमले लगाना घर में, आदमी घर में लगाता है खाली टाइम पे, गमले लगाता है थोड़ा उसका अच्छा सा टाइम पास हो जाता है, हरा भरा भी रहता है घर के अंदर, और दूसरा काफ़ी अच्छे अच्छे फ्लावरिंग है हमारे पास, सिरेमिक के काफ़ी सारे पॉट हैं, सीमेंट के पॉट मिल जाएंगे आपको मेरे पास, मिट्टी के तरह तरह के डिज़ाइन के मिल जाएंगे, और प्लास्टिक के काफ़ी अच्छे अच्छे पॉट हैं सर हमारे पास, और सैकुलेंट प्लांट हैं काफ़ी सारे, सीजनल फ्लावर काफ़ी तरीके के हैं, ऑर्नामेंटल प्लांट हैं, फ्रूट के भी मिल जाएंगे, और सब्जियों की भी तैयारी कर रहा हूँ, 2 साल से सब्जियों के सर बेच रहा हूँ, उसका भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट आ रहा है, काफ़ी लोग डिमांड कर रहे हैं कि मुझे सब्जी के पौधे और मंगाइए और दीजिए, और इस तरीके से आप लगाओ, और काफ़ी सारे अच्छे अच्छी कोशिश कर रहा हूँ। मेरी बाज़ार में भी एक ब्रांच है, और ये जगह का नाम हल्दू खाता है, पर यहाँ पर काफ़ी वैरायटी रखी हुई है मैंने, और जैसे जैसे लोगों की डिमांड आ रही है उसके तरीके से मैं पूरा करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, और लॉन गार्डन भी बनाते हैं, गार्डन को भी जिसको वेडिंग पॉइंट वगैरह ऐसा कुछ बनाना है, रिसोर्ट बनवाने हैं, रिसोर्ट के लिए डेकोरेशन करना है, उसका हर तरीके से सारा करने की सर पूरी कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, और काफ़ी अच्छे तरीके से करने की कोशिश कर रहे हैं। सीडलिंग मिल जाएगा, छोटा बीज चाहिए, छोटी पौध चाहिए किसी भी चीज़ की उसकी मिल जाएगी, और आपको बीज चाहिए किसी चीज़ का तो बीज मिल जाएगा हमारे पास, और बाकी पत्थर स्टोन जो भी नर्सरी से संबंधित सामान है, गार्डन से संबंधित सामान है, कटर है, फावड़ा है, खुरपी है, और खाद है किसी भी तरीके की जो ऑर्गेनिक खाद होती है वो सारी हमारे पास मिल जाएंगी आपको, और ये काफ़ी अच्छी मात्रा में काफ़ी हर चीज़ होल सेलिंग और रिटेलिंग दोनों तरीके से मिल जाएगा आपको।